सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट टू बी बिगेन विद द प्रीएम्बल। मैनी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया फॉलो दिस प्रैक्टिस। सो बेसिकली एन ए पलखी वाला एन इमीडिएट जूरिस्ट एंड ए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कॉल द प्रीएम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रीएम्बल इज वट इट्स सो वट इनसाइड इट लाइक अ ब्रोशर ऑफ अ कॉलेज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन दैट सो वट इनसाइड द थिंग। ओके सो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट देन द कॉलेज और इंस्टीट्यूशन इट्स सेल्फ। ओके सो प्रीएम्बल टू द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू। अगेन इट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू एंड अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट हैज़ बीन अमेंडेड बाय द 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 विच एडेड थ्री न्यू वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी। अगेन In 1976 amendment 42 constitutional amendment three words were added socialist secular and integrity. So what is the text on preamble? We the people of India. So basically the we the people of India indicating why we use the we because in India as we know constitution maker are being indirectly elected by the people. So basically they are being represented by people, elected by people. So basically the people elected them, so they use the we. Okay, constitution are being made for people. Okay, having Solomini resolved to the constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social economy and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. It is our Constituent Assembly this 26th of November 1949 do hereby adopt intact and give ourselves this constitution. So okay ingredient of preamble kya hai, char ingredient hai iske. To pehla one hai source. So source of authority of constitution, the preamble state the constitution derived its authority from the people of India. It derives its authority from people of India, not from president, not from prime minister, from the people of India. Nature of Indian state, it declared Indian to be of a sovereign, socialist, secular, democratic and republic polity. ठीक है. Third objective of constitution क्या है? Specify करता है justice, liberty, equality और fraternity as the objective. ये सब एक objective की तरह. डेट ऑफ एडोप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट स्टिपुलेट्स नवंबर 26, 1949 एज अ डेट. ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ये अडोप्टेड किया गया था. ठीक है, अब कीवर्ड्स क्या हैं प्रीएम्बल में? तो ये कुछ सर्टेन कीवर्ड्स हैं, जैसे कि हो गया सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी. ठीक है, जैसे कि एक्सप्लेन कर रखा है, जैसे कि सोवेरियन ये इम्प्लीमेंट करता है कि दैट इंडिया इज नेदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन. ना वो डिपेंडेंसी है ना वो डोमिनियन है कोई भी अदर नेशन का, बट इट्स एन इंडिपेंडेंट स्टेट. ठीक है, तो वो खुद में एक इंडिपेंडेंट स्टेट है. देर इज़ नो अथॉरिटी अबव इट, इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है. एंड इट इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल. और वो फ्री है कंडक्ट करने के लिए खुद के अफेयर को एक्सटर्नली और इंटरनली. ठीक है, बींग अ सोवरेन स्टेट इंडिया कैन
either acquire a foreign territory or secede a part of territory in a favor of foreign state. तो सोवरेन स्टेट का मतलब यह है कि इंडिया इधर एक्वायर कर सकता है कोई फॉरेन टेरिटरी को, या सीसीड कर सकता है पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट, फॉरेन स्टेट के फेवर में या तो लेना ले सकते हैं दे सकता है, तो वो आज़ाद है. ठीक है. सोशलिस्ट बाय इवन बिफोर टर्म वर एडेड, तो ये टर्म ऐड किया गया था 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 को. ठीक है. ये तीन टर्म सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी लेटर ऑन और एड ऑन किए गए थे. ठीक है. सो इसमें क्या था, द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अ सोशलिस्ट कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी. सो जो DPSP है उस पर पहले से ही सोशलिस्ट कंटेंट दिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है. ठीक है. इन अदर वट वॉज हेरेड टू इम्प्लिसिट इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नाउ बीन मेड एक्सप्लिसिट. ठीक है. Moreover, the Congress Party itself adopted a resolution to establish a socialist pattern of society in its Awadhi session as earlier as in 1912 and took measures accordingly. So, उसके अकॉर्डिंग measure किया था which involved the nationalism of all means of production and distribution among abolition of private property. मतलब उसमें abolition था private property का और ज़्यादा involved था nationalism का. ठीक है. प्रोडक्शन में और डिस्ट्रीब्यूशन में. डेमोक्रेटिक सोशन ऑन अदर हैंड होल्ड फेथ इन अ मिक्सड इकनॉमी. तो बेसिकली क्या है कि इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है. ठीक है. दो टाइप के सोशलिज्म होते हैं, एक होता है डेमोक्रेटिक, एक होता है कम्युनिस्ट सोशलिज्म. कम्युनिस्टिक जो सोशलिज्म होता है उसमें क्या होता है, जिसको हम ऑल्सो नोन एज स्टेट सोशलिज्म, उसमें क्या होता है जो नेशनलिज्म है ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब नेशनलिज्म को हम फॉलोअप करते हैं और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसको एबॉलिश करते हैं. जैसे कि रशिया में है कि वहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का रहना बहुत मुश्किल है और ज़्यादातर मोस्टली वहाँ पर गवर्नमेंट ही होल्ड ऑन करती है. नॉर्थ कोरिया में तो ऐसे ज़्यादा तानाशाह देशों में या बहुत सारे अदर देशों में भी जहाँ पर डेमोक्रेसी है बट वो अपने हिसाब से चलाते हैं, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म कहते हैं. ठीक है. उसे वहाँ पर वो क्या करते हैं कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ कंट्रोल नहीं करेगी बल्कि सब गवर्नमेंट के हाथ में होगा. ठीक है. नेशनलिज्म के हाथ में होगा. बट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में अदरवाइज क्या होता है, फोल्ड फेथ इन मिक्स्ड इकनॉमी. वो मिक्स्ड इकनॉमी क्या में भरोसा रखते हैं जिसमें वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट साइड बाई साइड, जहाँ पब्लिक और प्राइवेट दोनों एग्जिट करते हैं साइड बाई साइड. एज द सुप्रीम कोर्ट से डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी इग्नोरेंस डिजीज इनइक्वलिटी ऑफ opportunity. Indian socialism is a blend of Marxism and Gandhianism leaning heavily toward Gandhianism socialism. Okay. So basically वो mixture है Marxism और Gandhianism जो, ठीक है, और ज़्यादातर leaning toward करता है Gandhianism socialism के बीच में. तो Supreme Court का ये था कि ये एक अच्छा होगा, inequality को ख़त्म करेगा, disease को ख़त्म करेगा, ignorance को ख़त्म करेगा और पॉवर्टी को एंड करेगा, तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था. ठीक है. अब सेकुलर का थर्ड्स आता है वर्ड सेकुलर. द टर्म सेकुलर टू वाज एडेड बाय 42th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. अगेन सेकुलर वाज एडेड टू बाय 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. ठीक है. और इसमें यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑल्सो द वर्ड सेकुलर स्टेट वर्ड नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देर कैन बी नो डाउट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वांटेड टू एस्टैब्लिश सच अ स्टेट एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 एंड 28 गारंटीड द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड हैव इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशन. सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि स्टेट हैज नो रिलीजन, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा और सबको अपने अपने जो रिलीजन है उसको फॉलो करने का पूरा पूरा अधिकार है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्बॉडीड द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म. एग्जांपल ऑल रिलीजन इन आवर कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट. तो बेसिकली डिपेंड नहीं होता, सपोर्ट नहीं होता कि जैसे हमारे कंट्री में जींस की सिर्फ संख्या 2 मिलियन है. बट देन ऑल्सो उनमें कहा गया है कि सेकुलर बनाए रखना पड़ेगा, आपको सबको सेम देखना पड़ेगा, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता, ना वो हिंदू होता, ना मुसलमान होता, ना वो जैनिज्म होता है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट होता है. दैट्स इट.
दैट्स इट, इतना है। डेमोक्रेटिक वो कहता है, अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी एज स्टिपुलेटेड इन द प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन और पॉपुलर सोवरेनिटी द डिस्पोजिशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। सो बेसिकली सुप्रीम पावर बाय द पीपल टू द पीपल, डेमोक्रेसी ऑफ टू टाइप, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली इन द केस ऑफ स्विट्जरलैंड। डायरेक्ट में वो खुद की खुद पावर, मतलब वो खुद चलाते हैं, खुद पीपल डिसाइड करते हैं क्या उनको होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जो ज़्यादा पब्लिक डिमांड करते वही होता है। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है कि वो बेसिकली गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है और वो उनके लिए चूज़ करता है, ठीक है। तो चार टाइप के डायरेक्ट डेमोक्रेसी में नेम है, जैसे कि रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट, ठीक है। और इसके हम जानते हैं इनडायरेक्ट में क्या होता है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, ये सब होता है। तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, अंडर विच द एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेशन फॉर ऑल इट पॉलिसी एंड एक्शन, यूनिवर्स एंडल फ्रेंचाइजी, पीरियडिक इलेक्शन, रूल्स ऑफ लॉ, ये सब होता है। तो जो टर्म है डेमोक्रेटिक इज यूज इन प्रीएम्बल इन अ ब्रॉडर सेंस, एम्ब्रेसिंग नॉट ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट ऑल सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इस बॉर्डर में सेंस में इस्तेमाल हो रखा है, छोटे सेंस में इस्तेमाल नहीं हो रखा है। तो इस डेमोस्ट्रेशन को डॉक्टर अम्बेडकर ने स्ट्रेस के कंक्लूड किया था अपनी स्पीच में। उसने कहा था कि उन्हें कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट अनलेस देर इज लाई देयर लाइज एट द बेस ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। तो उन्होंने पहले भी कहा था कि सोशल डेमोक्रेसी के बिना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक सोशली आप डेमोक्रेटिक नहीं हो तब आप पॉलिटिकली कितने भी डेमोक्रेटिक हो जाओ कोई मतलब नहीं बनता। तो अ वे ऑफ लाइफ विच रिकोगनाइज लिबर्टी, क्वालिटी एंड फ्रेग्रेंटी, द प्योर प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, क्वालिटी एंड फ्रेग्रेंटी आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट आइटम इन अ ट्रिनिटी। तो उन्होंने कहा है कि ये सेपरेट आइटम नहीं है, वो एक ही फॉर्म है, वो ट्रिनिटी एक ही है, ठीक है। दे फॉर्म यूनियन ऑफ ट्रिनिटी इन द सेंस दैट टू डिवोर्स वन फ्रॉम द अदर इज टू डिफेट द वेरी पर्पज ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। लिबर्टी कैन नॉट बी डिवोर्स फ्रॉम इक्वलिटी, इक्वलिटी कैन नॉट बी डिवोर्स्ड फ्रॉम लिबर्टी, नॉट कैन लिबर्टी एंड इक्विटी डिवोर्स फ्रॉम फ्रेटर्निटी, ठीक है। विदाउट इक्वलिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू ओवर मैनी, ठीक है। बिना इक्वलिटी के लिबर्टी, बिना बराबरता के आज़ादी कुछ नहीं है बट सुप्रीमेसी है कुछ की बहुतों के ऊपर, ठीक है। इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी कुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव, बराबरता बिना आज़ादी के मार देगी इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स को। सो बेसिकली ने कहा कि कुछ भी एक चीज़ को ऊपर बढ़ावा दे देना और बाकी को दबा देना वो कोई सोल्यूशन नहीं है, उससे बस असमानता बढ़ेगी, असामाजिक चीज़ बढ़ेंगी, कोई सोल्यूशन, कोई पुख्ता सोल्यूशन, पर्याप्त सोल्यूशन नहीं होगा। तो उनका कहना था कि हर चीज़ को एक बैलेंस वे में जाना चाहिए, तीनों चीज़ को अगर बैलेंस वे में और साथ में चलेंगे तभी कुछ फ़ायदा, नहीं तो इट्स बीन अ यूजलेस थिंग। ठीक है। नाउ सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व इन 1977 दैट कॉन्स्टिट्यूशन वाइज टू एस्टेब्लिश एन एलिगेंट्री सोशल ऑर्डर ट्रेंडरिंग टू एवरी सिटीजन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन अ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑफ भारत रिपब्लिक, ठीक है। सो यही था। नाइन फिफ्थ वन इज रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक पॉलिटी कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, या तो मोनार्क्स होता है या फिर रिपब्लिक होता है, ठीक है। तो मोनार्क्स में हेड होता है, हेड स्टेट होता है, यूजली किंग और क्वीन होता है और इन्जॉय करते हैं एक हेरिडेटरी पोजिशन जहाँ पर उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे कम ऑफिस में आते हैं। तो सक्सेशन एग्जाम्पल ब्रिटेन, तो ऐसा होता है, ठीक है। इन रिपब्लिक ऑन द अदर हैंड द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली एंड डायरेक्टली फॉर द फिक्स पीरियड। तो रिपब्लिक में कुछ साल के लिए हेड चुना जाता है और या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फिक्स पीरियड, एग्जांपल के जैसे यूएसए। देयरफॉर द रिपब्लिक इन आवर प्रीएम्बल इंडिकेट दैट इंडिया हैज इलेक्टेड हेड कॉल्ड द प्रेसिडेंट, इसको इलेक्टेड प्रेसिडेंट कहते हैं। ही इज इलेक्टेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ 5 years। अ रिपब्लिक ऑल्सो मीन टू थिंक वन वेस्टिंग अ पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल एंड नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल, लाइक अगेन एक सिंगल इंडिविजुअल हाथ पावर नहीं आएगी। और सेकेंड द एबसेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास एंड हेंस ऑल पब्लिक ऑफिस बींग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो पब्लिक ऑफिस आपके लिए खुलना चाहिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बेसिक, ठीक है। नाउ सिक्स वन इज जस्टिस।
जस्टिस जो टर्म टर्म है वो एम्ब्रेस करता है थ्री डिस्टिंक्ट फॉर्म, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस अगर आपको सिर्फ पॉलिटिकल मिल जाए और सोशल और इकोनॉमिक ना मिले तो यूजलेस है, और जहाँ सोशल मिले इकोनॉमिक पॉलिटिकल ना मिले तो यूजलेस है। तो सिक्योर थ्रू वेरियस प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो जो फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल बना रखे हैं ताकि ये तीन जो चीज़ पूरी की जा सके, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। नाउ सोशल जस्टिस डिनोट सिक्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। इट मीन्स एबसेंस ऑफ प्रिवलेज बींग एक्सटेंडेड टू एन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड इम्प्रोवाइज टू द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, जैसे कि SC हो, ST हो, OBC हो और वुमेंस हो। तो अगर कोई वीकर सेक्शन है तो उसको मेनली इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट द नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल ऑन बेस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर के बिना जस्टिस हो। इट इन्वॉल्व द एलिमिनेशन ऑफ क्लेरिफाइंग इनइक्वालिटी इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी, कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट दैट व्हाट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो सबको बराबर तक अधिकार मिले, ठीक है। तो पॉलिटिकल जस्टिस इंप्लाई दैट ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिस एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। सो द आइडियल ऑफ जस्टिस सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन 1917 से जस्टिस लिया गया था। नाउ द लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन ऑन एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। और प्रीएम्बल सिक्योर करता है सारे सिटीजन ऑफ इंडिया को लिबर्टी थ्रू एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, थॉट, वर्शिप थ्रू द फंडामेंटल राइट इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ वॉल्यूशन, ठीक है। तो लिबर्टी उनको फंडामेंटल राइट से मिलती है। हाउएवर द लिबर्टी डज नॉट मीन लाइसेंस टू डू वट एवर वन लाइक्स एंड हैज़ टू इन्जॉय विद इन द लिमिटेशन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट्सेल्फ। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ये कहा गया है कि आपके फंडामेंटल राइट्स, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। एंड टेकन लिबर्टी का हमने देखा टेकन फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से 1799 तक। नाउ इक्वालिटी, द टर्म इक्वालिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड द प्रोविजन ऑफ एडुकेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो एक मतलब ये है कि एब्सेंस ऑफ किसी भी स्पेशल प्रिविलेज हो किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे एंड प्रोविजन फॉर एडुकेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के सबको बराबर तक अधिकार मिले, इसी का मतलब है इक्वालिटी, ठीक है। तो प्रीएम्बल सिक्योर टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया इक्वालिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी हो। दिस प्रोविजन एम्बेस थ्री डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी, सिविक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, ठीक है। इक्वालिटी तीन टाइप की होती है, पहले कोई सिविक, दूसरी होती है पॉलिटिकल, तीसरी होती है इकोनॉमिक। द फॉलोइंग प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स इंश्योर सिविक इक्वालिटी, ये सिविक इक्वालिटी को करते हैं। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी होनी चाहिए बिना लॉ के बिफोर, आर्टिकल 14 में प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 15, देन आर्टिकल 16 में आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एंड 17 आता है वॉल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड 18 आता है वॉल्यूशन ऑफ टाइटल। सो देर आर टू प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन दैट सीक टू अचीव पॉलिटिकल इक्वालिटी। वन, नो पर्सन इज डिक्लेयर इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्ट्रल रोल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स। आर्टिकल 325 बोलता है कि किसी को भी इलेक्शन पार्ट लेने के लिए इनके लिए बात ही नहीं किया जाएगा कि किसी सेक्स का होना चाहिए या इसी रेस का होना चाहिए, ठीक है। टू, दूसरा ये है कि इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली टू बी ऑन बेस ऑफ एडल्ट सफरेज, आर्टिकल 370 326, ठीक है। तो लोकसभा स्टेट असेंबली में बेसिस होगा एडल्ट सफरेज, जो कि है आपका, सो एडल्ट सफरेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब सबको समान अधिकार होना चाहिए, एडल्ट सफरेज होना चाहिए लोकसभा में, स्टेट असेंबली में सबको समान अधिकार होना चाहिए वोट करने का। ये नहीं है कि कोई तो अब आता हमारा नाइन्थ पॉइंट फ्रेटर्निटी, ठीक है। फ्रेटर्निटी मीन्स होता है एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड, अगेन एक भाईचारे की फीलिंग्स होना। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट द फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। तो जो सिंगल सिटीजनशिप बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी ताकि भाईचारा बना रहे। ऑल्सो द फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A
She said that it shall be duty of every citizen of India to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all people of India, transcending religion, linguistic, religional और सेक्शनल डाइवर्सिटी. अलग अलग होने के बावजूद भी भाईचारा सब में बराबरता का रहे. ठीक है, तो बेसिकली भाईचारा का मतलब ही फ्रेटर्निटी है. ठीक है, एक सेंस ऑफ भाईचारा. प्रेम्बल डिक्लेयर द फ्रेटर्निटी हैज़ एश्योर टू थिंग्स. दो चीज़ को ये एश्योर करता है, द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. अगर भाईचारा नहीं होगा तो सब अपने अपने हिसाब से चलेंगे और भाई और यूनिटी कभी नहीं बन पाएगी नेशन में. ठीक है, तो द वर्ड इंटीग्रिटी हैज़ बीन एडेड टू द प्रीएम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976. तो भाईचारा बेसिकली यही है कि आप सबके साथ यूनिटी के साथ काम कर सकें और चल सकें. ठीक है, ताकि नेशन मजबूत हो. तो अकॉर्डिंग टू के एम मुंशी अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द फ्रेज डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल सिग्निफाई दैट कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली इश्योर मेटेरनल बेटरमेंट एंड मेंटेन डेमोक्रेटिक सेटअप बट दैट इज ऑल्सो रिकग्नाइज दैट पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज स्केट. ठीक है, वो भी अच्छी है वो. दिस इज हाईलाइट थ्रू सम ऑफ द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच इंश्योर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल फर्दर द फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A ऑल्सो प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन बाय स्टेटिंग दैट इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू राउंड प्रैक्टिस डेग्रेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन एंड ऑल्सो मेक ए ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवेजनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, सो आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट टू मेक इट क्लियर दैट स्टेट हैव नो राइट टू सीसीड फ्रॉम यूनियन. उसने जो आर्टिकल पहले फर्स्ट ने यही पहली बात कही है कि स्टेट के पास कोई राइट नहीं है सीसीड होने का नेशन यूनियन से. इम्प्लॉय कहने का कि इंडिस्ट्रिक्टिबल नेचर ऑफ इंडियन यूनियन की यूनियन हमेशा रहेगा. इट एम एट ओवरकमिंग हिंड्रेंस टू नेशनल इंटीग्रिटी लाइक कम्युनलिज्म रिलीजनिज्म कास्टिज्म लिंग्विस्टिक सेक्सिज्म एंड सो ऑन. तो जम्मू कश्मीर जो कहता है कि हम अपना अलग स्टेट बनाएंगे, वो कहता है कि हम जो लद्दाख कहता है या फिर सॉरी लद्दाख कहता है कि हम अलग स्टेट बनाएंगे या कोई कहता मणिपुर कहता हम अलग स्टेट बनाएंगे, तो वो सब आसाम कहता है कि हम अलग स्टेट बनाएंगे, वो सब फॉल्स है. ऐसा वो नहीं कर सकते हैं, ये खुद कॉन्स्टिट्यूशन कहता है. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन परमिट नहीं करता उनको. ठीक है, चाहे वो कोई सा भी अमेंडमेंट कर ले, उनको हमेशा नेशन सबसे ऊपर है, नेशन से नीचे नेशन से ऊपर कोई नहीं. ठीक है, नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल. तो बेसिक फिलॉसफी, सो अब इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. नाउ द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो जो बेरूबरी यूनियन केस में एक नतीजा निकला था कि नहीं, प्रीएम्बल सबसे ऊपर है, प्रीएम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता है और बट दैट्स इट. ठीक है, बट केशव नंदा भारती केस में 1973 में ये निकलेगा कि दैट प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट ऑब्ज प्रीएम्बल इज़ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड एंड इंटरप्रेट इन द लाइट ऑफ ग्रांड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस इन द प्रीएम्बल. ठीक है, और इन द LIC ऑफ इंडियन केस 1995 में ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. लाइक इन द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द प्रीएम्बल वाज ऑल्सो इंटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. तो उनने ये कहा कि अगर वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का तो वो इंटेक्ट हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा. ठीक है, बट आफ्टर द रेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर ऑलरेडी इंटेक्टेड द रीजन फॉर इंसर्टिंग द प्रीएम्बल एट द एंड वाज टू इंश्योर दैट इट इज़ कॉन्फॉर्मेटरी विद कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के साथ एक उसको लेना चाहिए था, उस तरीके से लिया गया. वेल फॉरवर्डिंग प्रीएम्बल फॉर वोट द प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेड द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रीएम्बल स्टैंड फॉर द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ये कहती है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट प्रीएम्बल स्टैंड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो मोशन अडॉप्ट किया गया था. हैंस द करंट ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट है एंड इट कॉन्साइड द ओपिनियन ऑफ फाउंडिंग फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो दो चीज़ नोटेड की गई, प्रीएम्बल इज नेदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोबेशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर. तो सोर्स ऑफ पावर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ है. वो तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ऐड किया गया प्रीएम्बल कि उसके अंदर है क्या वो जानने के लिए. ठीक है, तो वो एक ब्रोशर है,
मतलब आप कहोगे कि नहीं ब्रोशर सब कुछ है और इंस्टीट्यूशन जो कॉलेज आप जा रहे हो कुछ नहीं है, तो वो यूजलेस थिंग है। कॉलेज सब कुछ है, ब्रोशर सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है उस कॉलेज का, ब्रोशर सब कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। अगेन मैं यही कहूँगा, सो इट इज़ नॉन जस्टिसेबल एंड दैट इज इट्स प्रोविजन आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो प्रीएम्बल नॉन जस्टिसेबल है और उसके जो प्रोविज़न है वो नॉन नॉट इन्फोर्सेबल है कोर्ट लॉ ऑफ कोर्ट में। सो येस यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट अमेंड इट्स बेसिक फीचर। तो हाँ आप प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हो बट उसके जो बेसिक फीचर उसको अमेंड नहीं कर सकते हो। और प्रीएम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस ओवर, एक ही बार अमेंड किया गया है, वो भी 1976 में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच हैज़ एडेड थ्री न्यू वर्ड, जिसने तीन न्यू वर्ड को ऐड किया था, सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो प्रीएम्बल दिस अमेंडमेंट वॉज हेल्ड टू बी वैलिड, तो वो वैलिड कहा गया था। ठीक है, तो दैट्स इट।